पर ये डेली मेजर जो है, अपने जितने भी डेली मेजर जो इस समय इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें एक श्रद्धांजलि समारोह करने जा रहे हैं जो 15 जुलाई को होगा, 15 अप्रैल को होगा, माजरे चाहते 15 अप्रैल को होगा। जानना चाहेंगे, शायद किसी विभाग को इसका ख्याल नहीं आया होगा, आला अधिकारियों को, किसी नेता को नहीं आया होगा, पर जो इनके साथ काम करते हैं, जिस लड़ाई को लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, उन्हें ख्याल आया कि कहीं ना कहीं उनके परिवार को ये ना लगे कि कोई उन्हें भूल चुका है, जिन्होंने पूरी उम्र अपनी सेवाएं दी और सेवा देते देते इस दुनिया से चल बसे। यानी 15 अप्रैल को श्रद्धांजलि समारोह ले जा रहे हैं। चलिए, समय हमारे साथ होशियार जी हैं, ताज जी हैं और अन्य हमारे साथ सदस्य हैं, पीएचई एम्प्लाइज यूनाइटेड फ्रंट के, जानने का प्रयास करेंगे। ताज जी, क्या कहेंगे जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप? मैडम, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, जो साथी जो पिछले 5-6 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम हर बार ये कहते हैं कि जो साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, हम उनको डेथ कभी नहीं कहते, क्योंकि उन लोगों ने इस समाज के लिए, इस माशरे के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए अपनी जवानी दे दी और अपना जीवन दे दिया। उनको आज तक किसी ने याद नहीं किया और हम इसलिए चाह रहे थे कि उनको कम से कम उनके परिवार को लगे, उनके रिश्तेदारों को लगे कि चाहे डिपार्टमेंट ने उनको याद नहीं किया, लेकिन उनके जो साथी आज भी संघर्ष कर रहे हैं, हम उनको शाना बशाना उनको उनकी फैमिली के साथ हैं, उनको याद कर रहे हैं। इसीलिए हमने पीछे करीब करीब 320 लोगों को पहले पैसे दिलवाए थे, 650 के करीब लोगों को अब फिर दोबारा पैसे दिलवाए। हम उन डेली साथियों को भूले नहीं है, उनकी याद में हम सोमवार 15 अप्रैल को एक उनकी श्रद्धांजलि समारोह कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि वो जहां भी हैं भगवान को अपने चरणों में रखे, इस जहां में वो दुखी रहे लेकिन वहां वो सुखी रहे। लेकिन एक पुण्य का कार्य उन्होंने जिंदगी में किया कि पानी पिलाना एक पुण्य कार्य है, इसीलिए हम इस डिपार्टमेंट आए थे कि पुण्य का कार्य करेंगे और अपने बच्चों को पालेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि पुण्य का कार्य करते करते हम लोग अपने सामाजिक दायित्व से या फैमिली के ऊपर जो हमारा फैमिली का जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पीछे हो गए। आज की डेट में हम समाज से कट के रह गए और इसमें बड़ा सारा रोल जो आज के हुक्मरान है, 2014 में उन्होंने एक हमें वादा दिलवाया, याद दिलवाया था कि आप लोग हमें वोट कीजिए, हम कभी जम्मू कश्मीर में या केंद्र में सत्ता में नहीं आए, हम आपको रेगुलाइज करेंगे। तो हम लोगों ने 14 में कसम खाई थी कि जितने कैबिनेट मिनिस्टर उस टाइम के, हमने उनको सबको इसलिए हराया था कि उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की थी। तो हर एक पार्टी मैनिफेस्टो में रख लेगी, मैनिफेस्टो रखने से हमारा मसला हल नहीं होता, हमारे वो साथी वापस नहीं आते, इसलिए हम उनकी याद में सोमवार को उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके परिवारों को ये आश्वासन देते हैं कि टाइम टू टाइम जो हमने 10 लाख का कंपनसेशन कम से कम उनके परिवारों के लिए रखा हुआ और एक परिवार के सदस्य को परमानेंट जॉब मिले, ये हमारी मांग आज भी कायम है, हम उस मांग से पीछे नहीं हटे। पहली मांग हमारी हो सकती है कि एसआरओ 64 के तहत रेगुलेशन मिले, दूसरी हमारी मांग हो सकती है 70 से लेकर 85 महीने का पेंडिंग, लेकिन हमारी जो तीसरी मांग थी वो हमने यही कहा था, जो साथी ड्यूटी के दौरान शहीद होगा उनके परिवार के सदस्य को उनका पेंडिंग प्लस 10,000 का कंपनसेशन और उसके साथ साथ से उनके परिवार के सदस्य को गवर्नमेंट जॉब में नौकरी दी है। उन्होंने अपना आप यहाँ शहीद किया, सरकार से लिया कुछ नहीं, जो लेना उनका बनता था वो भी सरकार ने किस्तों में वो हमने कैसे दिलवाया, ये पीएच इंप्लाई यूनाइटेड फ्रंट और आप मीडिया के नाम आपके उधर ही ऑफिस होगा जो बीसी रोड पर, जो ओल्ड चीफ ने अभी जो बीसी रोड है वहां पे कर रहे हैं। 10 बजे आपके माध्यम तमाम डेली वेजरों को आह्वान है, अपील है कि पहुंचिए और उन साथियों को देखिए उन परिवारों की क्या कंडीशन है। इसलिए हम ये संघर्ष, हमें वही सब लोग साथी जो इस दुनिया में नहीं रहे, वही उनका जो जब फोटो सामने आती है, चेहरे सामने आते हैं, तो हम ये कहते हैं कल आज इनकी वाली हुई, कल हमारी वाली, इसलिए हम संघर्ष सरकार से फैसला करवाने का इसलिए निकले कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, बदवा मजदूरी अब नहीं चले। बिल्कुल, चलिए होशियार जी, अब इलेक्शन फिर से आ गए हैं, फिर से वही दावे होंगे, पिछले वायदे और अब के दावे, तो क्या लगता है, क्या आपको लगता है अभी भी कहीं ना कहीं जिस सरकारों ने पहले आपके साथ शोषण किया आज उनकी जगह कहाँ है? अब फिर से वोट मांगने की बारी आ चुकी है, पर कई तो ये भी कह रहे हैं हम घर में बैठेंगे हमें मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा, क्या लगता है इस बार वोट की चोट होगी? पहले तो धन्य से टाइम का बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं हमारी दिल्ली में जिले की वो हालत है, आगे खूह और पीछे खाई वाला, बिल्कुल जो सत्ता से बाहर हैं वो कहते हैं हमें एक मौका और दो, हम आपको परमानेंट करेंगे, तो जो सत्ता में थे वो कहते हैं हमें तीसरा टर्म भी दो, हम आपको परमानेंट करेंगे। तो हमारे लिए सिचुएशन किसी मरने से कम नहीं, अगर हम आगे वालों को अजमाते हैं 5 साल वो भी खा जाएंगे, अगर इनको अजमाएंगे फिर एक बार तो 5 साल ये भी खा जाएंगे। इनको हराने और जितवाने का काम
जनता पर है, जनता बखूबी जानती है किसको क्या मिलना चाहिए, किसको किसने क्या किया। मेरे फ्रंट लगातार 660 दिन से लगातार प्रदर्शन पर है। तो इशू जो आज मेन था वो था सोमवार को हम श्रद्धांजलि दिवस उन लोगों के लिए जो हमारे साथी थे, हमारे साथ काम करते थे, ना डिपार्टमेंट ने उनकी सुध ली, ना प्रशासन ने ली, ना समय रहती सत्ताधारी जो सत्ताधारियों ने ली, जो लोग काम करते थे हमारे साथी काम करते करते सुसाइड डेथ के इंसिडेंट से किसी भी तरीके से मर गए, पर उनकी फैमिली पीछे रह गई, दर बदर की ठोकरें खाती रह गई। तो उनकी यादाश्त में ये हमारा सोमवार को कार्यक्रम है। आपके माध्यम से सभी डेली वेजर जो हमारा अनुरोध है वो शामिल हो उस कार्यक्रम में, उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें। उसके साथ ज़्यादा फोकस ये है कि जो लोकल लीडरशिप थी हमारी, चाहे जम्मू के 25 MLA थे, चाहे MLC थे, चाहे 2 MP थे, इन लोगों का ज़्यादा कसूरवार ये लोग हैं। इन लोगों ने हमें अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया, और ये लोग हमें अच्छे ढंग से ऊपर बात करते हमारी, तो आज तक कुछ ना कुछ हमारे साथ इंसाफ होता। इन लोगों को सोचना पड़ेगा इन्होंने किया क्या, तो अब इनके साथ होगा क्या। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद इनको हराना और जितवाना नहीं था, हमारा मकसद था अपने हक में लड़ाई लड़नी, अपना मसला हल करना था। जो हमने अपना टाइम दिया था उसके हिसाब से हमें इंसाफ मिलना चाहिए। 2014 के बाद मोदी जी दो बार आए, एक बार पहले आए थे और एक बार आज आए हैं उधमपुर में, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको पहले भी 2014 में मोदी जी ने उन्हीं ने अपने मंच को साझा किया था, ललकार रैली में कहा था आपका मसला हल होगा, तो इस बार विश्वास कर पाएंगे आप फिर से, क्योंकि काफी सालों से हम भी आपको कवर करते आ रहे हैं, वही पिछले वादे जो किए गए और आपके दावे, किन पर विश्वास करेंगे, वादों पर या दावों पर? वही सेम बात है, वही आगे हूँ पीछे गए, जो वादे कर रहे हैं ना उन पर विश्वास रहा, जो वादे के लिए तैयार हो गया है ना उन पर विश्वास रहा। विश्वास करने के लिए सत्ताधारी पार्टी कोई रही नहीं, हमारी ओर से आरजी प्रशासन है, मगर जो जेन्युइन डिमांड है डेली बेसिस की उसका मसला हल करे, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। इन सभी लोगों ने हमारा खून पिया, हमारे साथियों का कत्ल किया, इन्हीं के आश्वासन पर हम लोग लगे भी थे, आज तक काम भी करते थे। यही लोग कहते थे हम सत्ता में आएंगे और लोगों को परमानेंट करें। एक तो लोग चोरी छुपे मर्डर करते होंगे, ये सत्ताधारी पार्टियां बहुत छरेआम कत्ल करती हैं सिर्फ डेली वेजर का, बिना कुछ दिए उनको मारने का काम इन लोगों ने किया। जब 9000 से घर परिवार नहीं चलता, घर में क्लेश पड़ता है, लोग सुसाइड करते हैं, किसी ना किसी कारण मरते हैं, कुछ लोग अपने घर परिवार का अच्छे ढंग से इलाज नहीं करवा सकते महंगाई की वजह से भी, वो लोग भी हमारे हाथों से निकलते गए जो बीमार थे, उन लोगों को कोई फौरी तौर पर मदद नहीं मिली, वो इलाज ना करा सके और ख़त्म हो गए। उन सभी साथियों को जो नहीं रहे मर गए, वो मैनिफेस्टो मिला, वो भी लेकर फिर से आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चरण का शुक्रिया मैम। तो मैम मैं आपके चरण के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हर एक को वोट का अधिकार है, बिल्कुल, और मैं यही कहूंगा हर एक डेली वेजर भाई को कि वो वोट इस बार ब्रेक सुनकर डालें, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए डालें, क्योंकि जैसे कि आपने होशियार जी की बात ही कि जो पहले हुआ अब दोबारा ना हो, मैं यही कहूँगा कि ब्रेक सुनकर वोट डालें, तो जो हमारा वोट होगा वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। मैडम देखिए, वोट की चोट का जो आपने सवाल किया, वोट की चोट डेली जरूर करेगा, क्योंकि हम लोगों को बार बार ये कहा गया बाप की जंटी दहेज में लाए हुए, अगर आप हमारा कुछ सवार ही सकते तो हमारे जख्मों पर नमक टोंक के तो मतलब नमक मत छिड़को। आपके पास सत्ता थी, आप कर सकते थे, आज यूटी थी, आप होम मिनिस्टर साहब को कन्विंस कर सकते थे, आप उनकी पार्टी के थे, आप उन कह सकते थे। और हमारे साथ जो जाती क्या हुई 5 अगस्त 2019 के बाद, जो हमारा रेगुलर प्रोसेस चल रहे थे SR-064 हो या एक इन्होंने आई वॉश किया था 520 जी, वो रेगुलाइजेशन ही था, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ रेगुलर एंगेजमेंट, रेगुलर हम ऑलरेडी है एंगेजमेंट, रेगुलर एंगेजमेंट ऑलरेडी है, उसमें हमारी बेटी ने नाश की थी स्टेप बनाए जिसको 10 साल हुए, इतने 15 साल वाले हुए, 20 साल हुए। आज एक आम डेली वेजर को कहीं लेबर कोड ITI हो, DRW हो, लैंड केस हो, NBCL हो, 94 कम से कम 25-30 हज़ार मिलती। हमारे लोग जो इतने सुसाइड किए उन्होंने 19 के बाद, या उनकी जो डेथ हुई है वो डिप्रेशन का शिकार हुए, वो नहीं होते, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। हमारी डिमांड तब भी SR-064 थी,
आज भी सीटी पर, लेकिन उस टाइम भी हमारे साथ धोखा किया गया और उल्टा क्या हुआ, आज ये कहा जा रहा हमने आपकी 9000 की। भाई आपने 9000 नहीं की, आपने हमारा 30-35 जो हो रही थी वो रोकी, आपने भेजे इन हाउस हुई थी और परमानेंट एम्प्लॉइज को आप दे रहे हो बच्चे की एजुकेशन लिए, एक बच्चे की पहले 27,000 आज 30,000। तो आज आप ये कहो दोबारा कि हमें तीसरा चांस दो, कौन बेवकूफ आपको तीसरा चांस देगा? अगर आप हमारी बात अभी भी बड़े कॉन्फिडेंटली हैं, नहीं कांडर, जब आदमी डरा होता है अंदर से वो हंसता है, जब अंदर से डरा होता है वो अपने आप चेहरे पर बड़ा कॉन्फिडेंस लाता है। ये तो पब्लिक जानती है कि डेली वेजरों के साथ जो अन्याय इन लोगों ने किया है, ये कहते हैं हम जम्मू के चैंपियन है, जम्मू के साथ भेदभाव खत्म करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भेदभाव इनके टाइम हुआ और 14 के बाद हमारी पेंडिंग जो है वो सबसे ज्यादा पेंडिंग 2014 के बाद हुई। पहलों का हमने हिसाब 2014 से पहले कर दिया, अब इनका हिसाब करने का टाइम है। हमें रोटी नहीं मिलती, हम घर से रोटी खाते हैं, 9000 में ना बच्चा पढ़ता है, ना 9000 में बच्चा स्कूल जा सकता है, ना हम अपने परिवार ने भी आदत की ना, ना परिवार की ना, ना। आज फरवरी में बच्चे जब पेपर देते हैं, मार्च में अप्रैल जैसी आती है हमारे दिल धक धक करता है। आज प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, आज स्कूल से बच्चा बोलेगा मेरे को यूनिफॉर्म नहीं ले दो, मेरे को बैग नहीं ले दो, मेरी बुक्स जो 400-600 की होंगी वो 2400-2500 की मिलेंगी, कहाँ जाएगा डेली वेजर? फिर हमें ये कहा जाता है हमने आप ऐसा ना आपकी 9000 की, आपने कहाँ 9000 की, आपने तो हमारी रोकी। बिल्कुल धन्यवाद। आप कहते हैं कि हम लीड करेंगे 3.5-4 लाख वोटों से, उन 4 लाख या 3.5 लाख में ये 61,000 डेली वेजर उनका परिवार भी है जिसका आपने 2014 में वादा किया था। माना कहते हैं पुरानी सरकारों ने इनका शोषण किया, पर हम सवाल आज की सत्ताधारी पार्टी से पूछते हैं, आपने इन 61,000 डेली वेजरों के लिए क्या किया? आप कहते हैं 9000 किया, पर जब आपकी गठबंधन सरकार थी भाजपा और पीडीपी की, तब ऐसा 520 लाया था कि जिसको 10 साल हुए उसको 10,000 मिलेगा, जिसको 15 साल हुए उसे 15,000, जिसे 20 साल हुए उसे 20,000, जिसे 25 साल हुए काम करते उसे 25,000। चलिए आटे में नमक ही सही, कम से कम उन्हें उतना तो मिलता। आपने वो तो किया नहीं, वो कहीं ठंडे बस्ते में रहा, पर वही आ गया और अब जाके 9000 हुआ है। तो आप खुद बताइए 9000 में गुजारा होगा? अब होगी वोट की चोट, जहां पर पहली पुरानी सरकारों को आम जनता ने, हमारे डेली वेजर ने, हमारे होमगार्ड ने, हमारे एसपीओ ने जगह बताई, अब बारी आपकी है, अब सत्ताधारियों की बारी है, क्योंकि वही जनता है जो तख्त, यदि सत्ता पलट भी सकती है, जो इंसान को तख्त से उतार भी सकती, इन सरकारों को और बिठा भी सकती है। पर सबसे बड़ी बात, बार बार हम आवाज उठाते हैं कि बार बार हमने यही कहा कि डेली वेजर्स को आप कीजिए, जब आप यानी के ये कहेंगे कि जब आप कुर्सी पर बैठे थे आपने क्या किया डेली वेजर्स के लिए? सबसे बड़ी बताए कि 25 विधायक और 2 MP उन्होंने, उन लोगों ने मिलकर भी इन लोगों का कुछ नहीं किया। आज भी ये 657 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पर मजाल है किसी के मुख बिंदु से कोई शब्द भी इन लोगों के निकल जाए, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि वोट हमें ही मिलेगा, हमारा ही है, हम ही विजयी हैं। तो चलिए ये जनता पर रखिएगा, शायद आपने कुछ सोच के रखा होगा कि